नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के नंबर वन बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। साई कैबिनेट के अहम फैसले बता दें आपको, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कृषि उपज मंडी विधेयक में बदलाव किया गया है, मंडी फीस का अब नाम भी बदल दिया गया है। कृषि कल्याण निधि नाम होगा। कृषक कल्याण के लिए मंडी बोर्ड अपनी कमाई का 10% राशि सरकार को देगा। कैबिनेट में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली है। जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिली है। बता दें मोवा बाजार चौक का नाम बदल दिया गया है। अब बदलेगा ये नाम, शहीद भरत लाल साहू चौक होगा नाम। बीजापुर में शहीद हुए थे जवान भरत लाल साहू। साई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। नगरीय क्षेत्र में सरकारी जमीन की आवंटन पर बड़ा फैसला और जारी सभी परिपत्र निरस्त किया गया। 2019-2020 के आदेश को रद्द किया गया है। आवंटित भूमि की जानकारी वेबसाइट पर डाली जाएगी। शिकायत हुई तो जांच शुरू की जाएगी। तो साई कैबिनेट की बैठक हुई है, अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। प्रदेशों के मंडी बोर्ड अथवा समिति के एकल पंजीयन तथा अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी एवं प्रसंस्करणकर्ता भारत सरकार द्वारा संचालित ई नाम पोर्टल राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज की खरीदी व बिक्री बिना पंजीयन के कर सकेंगे। इससे छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों और विक्रेताओं को अधिकतम मूल्य मिल पाएगा। संशोधन के प्रस्ताव के अनुसार मंडी फीस के स्थान पर अब मंडी फीस तथा कृषक कल्याण शुल्क शब्द जोड़ा जाना प्रस्तावित किया है। संशोधन प्रस्ताव के अनुसार कृषक कल्याणकारी गतिविधियों के लिए मंडी बोर्ड अपनी सकल वार्षिक आय की 10% राशि छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि में जमा करेगा और इस निधि का उपयोग नियमों में शामिल प्रयोजन के लिए किया जाएगा। तो साई कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, साई कैबिनेट की बैठक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कौन कौन से प्रस्ताव है, कितने खास हैं, क्या क्या इससे लाभ मिलेगा, बताइए। जी बिल्कुल, आज महानदी भवन मंत्रालय में साई कैबिनेट की बैठक हुई और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। किसान और आम लोगों पर सीधा ये कैबिनेट की जो बैठक थी वो फोकस था। जैसे किसानों की बात करें तो उनकी जो आय दोगुनी करने पर विशेष बल दिया गया है, किस तरीके से उनके फसल को दोगुना मूल्य मिले इस पर जोर दिया गया है। इसके खरीदी को लेकर जो है वो सरलीकरण किया गया। साथ ही ई नाम पोर्टल के माध्यम से जो है दूसरे प्रदेश के जो व्यापारी हैं वो भी फसल खरीदी या जो भी उनकी सामग्री है वो खरीदी कर सकेंगे, इसमें पंजीयन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से जो है फैसले लिए गए हैं, जो पुराने अधिनियम हैं उनमें संशोधन किया है। वहीं जमीन आवंटन के मामले में जो पट्टे और अन्य जमीन आवंटन किए गए थे तो पूर्व सरकार ने जो 19-20 में जो आवंटन किए थे उसको भी निरस्त कर दिया गया है और परिपत्र जो पुराने पूर्व सरकार ने जारी किए थे उसको भी निरस्त कर दिया गया। साथ ही ये जो तमाम जो जानकारियां हैं वो पोर्टल में डाली जाएगी और जमीन से संबंधित जो भी शिकायतें हैं उनका निराकरण किया जाएगा। यदि किसी जमीन आवंटन में कोई गलत या खामियां पाई जाती है तो उनको जो है वो निरस्त करने की बात कही गई है। इसके साथ ही मोबा बाजार चौक को शहीद भरत साहू चौक के नाम से जाना जाएगा। आईडी ब्लास्ट में जो है जवान शहीद हुए तो उनके नाम से मोवा बाजार चौक का नामकरण करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही तमाम फैसले लिए गए। मानसून सत्र जो है 22 तारीख को शुरू होना है उसके संबंध में चर्चा किया गया। अनुपूरक बजट को भी जो है वो मंजूरी दी गई है साथ में और तमाम जो फैसले लिए गए हैं जिस पर मुहर लगी है साई कैबिनेट की। जी ठीक ठीक ठीक, महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है और जैसा कि सरकार कहती भी है किसानों के हित में हम काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बड़े फैसले लिए गए हैं, खुशी की खबर उनके लिए भी होगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल।
छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर अब सियासी पारा हाई हो चुका है। कुछ दिन पहले मंत्री शिव डहरिया ने योजना के तहत मिलने वाली राशि को लेकर सवाल खड़े किए थे और सूची जारी करने को कहा था, जिस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार कर पूर्व सीएम भूपेश बघेल को चुनौती दी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लिखा, भूपेश बघेल जी, आपने महिलाओं को हर महीने 500 रुपए देने का वादा किया था, 5 साल में 5 रुपए नहीं दिए। हम 70 लाख माताओं बहनों को हर महीने 1000 रुपए दे रहे हैं तो तकलीफ हो रही है, आपके या मेरे गांव चलिए, माताओं बहनों से पूछ लेंगे पैसा आ रहा है या नहीं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बंद कीजिए, यह बड़ा बयान दिया गया। तो वहीं भूपेश बघेल ने भी चैलेंज किया। भूपेश बघेल के चैलेंज पर बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा ने भूपेश बघेल को सौम्य चौरसिया पर बोलने की चुनौती दे दी है। संदीप शर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल में हिम्मत है तो सौम्या चौरसिया के बारे में बोलकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार में हुए तमाम घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है। सचिव रही है सौम्या चौरसिया जी, जिनके ऊपर घोटाले का आरोप लगे हैं और जो अभी जेल में है, लगातार जेल में है, और इसके पहले उसकी लगातार वकालत करते रहे हैं भूपेश बघेल जी, उस पर उनका क्या कहना है? उनकी जमानत याचिका लगातार खारिज हो रही है और पिछले 1.5 साल से ज्यादा समय हो गए जबकि वो जेल में है। इस पर उनकी कोई हिम्मत है तो बोलना चाहिए, इस पर तो उनकी जबान नहीं चल रही है, इस पर तो चुप बैठे हुए हैं। हिम्मत है तो उनकी जो जमानत याचिका लगातार खारिज हो रही है, इस पर बोलना चाहिए कि कोर्ट उनको क्यों जमानत नहीं दे रही है। उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं और अभी तो जितने भी घोटाले हुए, सारे घोटाले के जो आरोपी हैं वो पकड़े जा रहे हैं, उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। शराब घोटाला के व्यापारी जो है, उन्होंने स्वीकार किया है कि शराब घोटाला हुआ है उनके कार्यकाल में, नकली होलोग्राम मिल रहे हैं जगह जगह खोदने से। इधर धमतरी में कांग्रेस की कला खुलकर सामने आई। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच के सामने कार्यकर्ताओं को गुस्सा जो है उनका फूट पड़ा। जिला कांग्रेस भवन में दीपक बैच की बैठक में कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। ये देखिए तस्वीरें धमतरी की। छत्तीसगढ़ में परिसीमन को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने हैं। रायपुर महापौर ने कहा कि गलत तरीके से कांग्रेस वार्डों से वोटर्स हटाए गए तो इसका हम जमकर विरोध करेंगे, परिसीमन के जारी करने का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि वार्डों का परिसीमन निगम और प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। यही है कि पार्षद के अच्छे क्षेत्रों को जहां उसका अच्छा प्रभाव है, उस प्रभाव के क्षेत्र को काट दिया जाता है। तो इस तरीके की अगर वो ना होगा तो हम लोग पूरा समर्थन करेंगे और ये इसमें अगर कुछ खेल होगा तो फिर हम लोग फुल इसका विरोध भी करेंगे। देखिए, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। जो नियम प्रक्रिया है उन नियम प्रक्रियाओं के अनुसार ही वार्डों के सीमांकन की प्रक्रिया चल रही है। बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। झोला छाप डॉक्टरों को 2 क्लिनिक को सील कर दिया गया। कोटा ब्लॉक में यह क्लिनिक चल रहा था। 2 दिन पहले मलेरिया से पीड़ित 2 सगे भाइयों की मौत हो गई थी। झोला छाप डॉक्टर इनका इलाज कर रहे थे। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, उसके बाद ये एक्शन लिया गया। कोटा ब्लॉक में 2 क्लिनिक सील किए गए हैं, इन पर एक्शन लिया गया है। झोला छाप डॉक्टर इसे संचालित कर रहे थे। मलेरिया से जूझ रहे पीड़ित इनके पास पहुंचे थे इलाज कराने के लिए, जिनकी मौत हो गई, और अब एक्शन लिया गया है। प्रमुखता से खबर न्यूज 18 ने दिखाई थी। बिलासपुर में मलेरिया से 2 बच्चों की मौत हो गई। 6 साल और 12 साल के दोनों भाइयों की मौत हो गई। मां की हालत गंभीर है। मां को गंभीर हालत में सिम्स में रेफर किया गया। बेलगहना के काली माटी गांव का यह मामला है। अब तक मलेरिया के 14 मरीज सामने आ चुके हैं। सीएमएचओ डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की। इससे पहले टेंगन माड़ा में मलेरिया से 2 बच्चों की मौत हुई थी। 14 मरीज जो है मलेरिया से जांच में पाए गए हैं और जिसमें 9 लोगों को जो है ये इसकी गंभीरता को देखते हुए सिम्स रेफर कर दिया गया है।
चार पांच लोग पहले से भर्ती हैं और कल भी बाकी लोगों को पांच लोगों को रिफर किया गया है। अंबिकापुर में सड़क हादसे में तीन की मौत हो गई। ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। पति पत्नी सहित 7 साल के मासूम की मौत हो गई। नेशनल हाईवे 43 पर यह हादसा हुआ। सीतापुर थाने के मंगरी गांव के पास यह हादसा होना बताया जा रहा है। दंतेवाड़ा से खबर रहे जहां पर जिला अस्पताल में एसीबी ने छापा मारा। इस दौरान बीएमओ वेणुगोपाल राव को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। बता दें कि बीएमओ गाड़ियों का पैसा पास करने के लिए 15,000 रुपए की घूस मांग रहा था। तो रायपुर में स्वास्थ्य विभाग का बाबू घूस लेते हुए गिरफ्तार हुआ। एजुकेशन लीव सेटलमेंट को लेकर रिश्वत मांगी जा रही थी। एसीबी ने नर्स से 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों इसे गिरफ्तार किया। तो स्वास्थ्य विभाग में बाबू रिश्वत ले रहा था और रंगे हाथों इसकी गिरफ्तारी अब हुई है। बिलासपुर की बात करेंगे। सिम्स में महिला से छेड़छाड़ हुई है और आपको बता दें सीनियर डॉक्टर ने मरीज की बहन से छेड़छाड़ की। मामले को लेकर पीड़िता ने कलेक्टर से इंसाफ की गुहार लगाई, साथ ही सीएम को लेटर लिखकर शिकायत भी की है। तो सिम्स में महिला से छेड़छाड़, यह मामला पूरा सामने आया है। सीनियर डॉक्टर पर ये आरोप लग रहे हैं छेड़छाड़ के। अब इसकी शिकायत हो चुकी है, साथ ही साथ सीएम को भी लेटर लिखा गया है। कोंडा गांव में मवेशी तस्करों पर एक्शन हुआ है। एक कंटेनर से 35 मवेशियों को बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि मवेशियों को दुर्ग से हैदराबाद ले जाया जा रहा था। बता दें कि पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है इस मामले में। कोंडा गांव में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पकड़ा है नक्सलियों का बड़ा जखीरा। कुदाड वाही की पहाड़ी पर नक्सल सामग्री मिली है। पुलिस को एक हफ्ते में ये दूसरी बड़ी कामयाबी मिली है। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जगह जगह कैंप भी लगाए जा रहे हैं और इसी बीच ये बड़ी सफलता पुलिस जवानों के लिए। बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की गई है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। रायपुर एयरपोर्ट पर विमान सेवाएं प्रभावित हुई। ऑनलाइन सिस्टम ठप होने से यात्री परेशान दिखे, साथ ही एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में परेशानी हुई। अंबिकापुर का जिक्र करते हैं। अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बने 3 मकान को ढा दिया गया। प्रशासन ने एकलव्य स्कूल के शासकीय जमीन पर ये तीनों मकान बने थे। प्रशासन ने 1 एकड़ जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया है। अतिक्रमण की वजह से स्कूल निर्माण में बाधा लगातार आ रही थी और अब जाकर के बुलडोजर एक्शन हुआ है। बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर अतिक्रमण लंबे वक्त से कर रखा था और इसी पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। तो एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। शिकायत के बाद निगम का बुलडोजर यहाँ पर चला और बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। अब ये अतिक्रमण हटाया गया है। अब जिस चीज के लिए आवंटित थी ये जमीन वहां पर उसी का निर्माण होना है, ये भी कहा गया। बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए जवान का रायपुर में अंतिम संस्कार किया गया। सैकड़ों लोगों ने शहीद को अंतिम बधाई दी। राजकीय सम्मान के साथ शहीद भरत लाल साहू का अंतिम संस्कार हुआ। सीएम सहित कई जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अफसरों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। खपरा भट्टी मुक्तिधाम में शहीद का अंतिम संस्कार हुआ।
बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए जवानों को आज सीएम साई ने श्रद्धांजलि दी। सीएम साई ने जवानों के शवों को कंधा भी दिया। उन्होंने शहीद जवानों के परिवार के प्रति संवेदना जताई। सीएम ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, जल्द ही प्रदेश नक्सलवाद से मुक्त होगा। सीएम साई ने घायल जवानों के भी हालचाल जाने। सत्रह जुलाई की घटना है। बीजापुर जिला के अंतर्गत करेम थाना के अंतर्गत हमारे एसटीएफ के जवान ड्यूटी से वापस जा रहे थे और एक आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें एसटीएफ के दो आरक्षक शहीद हो गए और चार घायल हो गए। तो आज जो रायपुर निवासी एसटीएफ के जवान भरतलाल साहू थे उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि देने हम लोग आए थे। हमारे साथ हमारे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी भी हैं, श्री केदार कश्यप जी मंत्री हैं, श्री टंकराम वर्मा जी मंत्री हैं और एक नारायणपुर जिले के थे सतेर सिंह जो शहीद हुए।